राजधानी जयपुर में मेट्रो फेज वन बी कार्य की धीमी गति के चलते मंत्री शांति धारीवाल ने कार्य का निरीक्षण किया है। इस दौरान धारीवाल ने छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन से निरीक्षण शुरू किया और टनल के माध्यम से बड़ी चौपड़ तक ट्रैक का निरीक्षण किया। धारीवाल ने अधिकारियों को कार्य में गुणवत्ता मेंटेन करने के निर्देश दिए हैं। धारीवाल ने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार सर्टिफिकेशन के चलते देरी नहीं होगी और सर्टिफिकेशन के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है। धारीवाल ने अक्टूबर तक कार्य पूर्ण करने की बात कही। वहीं दूसरे फेज को लेकर उन्होंने कहा कि फिलहाल विकल्पों पर विचार किया जा रहा है और इस पर अंतिम फैसला सीएम अशोक गहलोत करेंगे। इसके लिए 18 जून को मीटिंग रखी गई है और इस दौरान यूडीएस सचिव भास्कर सावंत और मेट्रो सीएमडी सुबीर कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। भाई मैंने जब पहला दौरा किया था तब मुझे कहा गया था डीएमआरसी की तरफ से कि साहब ये हम अगस्त तक कंप्लीट कर देंगे। तब भी मुझे कुछ शक था, मैंने कहा दो चार महीने डिले हो सकता है, तो दो चार महीने तो डिले है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं। लेकिन काफ़ी कुछ काम हो चुका इसमें, आप सिग्नलिंग के अलावा सिग्नलिंग है रह गया और ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन वगैरह सिस्टम का जो भी काम है वो बाकी रह गया। असल काम यह है कि सर्टिफिकेशन का काम जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है वो तो रेलवे डिपार्टमेंट के उसमें रेलवे के अंडर में आता है, वो काम चालू करना है। क्योंकि ये काम तो मैं समझ के चलता हूँ कि साहब ये अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने आज ही कहा है इनके मेट्रो के सीएमडी से कि किसी वे इसको अप्लाई करें ताकि जो है वो टीम आ जाए जल्दी से जल्दी, अक्टूबर के बाद में कभी भी आकर के देखे और ये काम चालू हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि डीएमआरसी पूरा टाइम का ये अक्टूबर तक।